खड़ा है नंगे पा। पापा भी तो चोरी नहीं हो गए। पापा चोरी कैसे हो जाएंगे। तो गाइस आज है संडे और आज संडे फंडे चल रहा है यहाँ पे। हमने बच्चों के लिए पूल पार्टी अरेंज किया है छत पे ही और ये बच्चे देखो कितने एंजॉय कर रहे हैं आज। तो इनके लिए एक प्रॉपर फन डे बन गया है आज। और ये सारे पिद्दी पिद्दी से देखो नमन हमारा कितना एंजॉय कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर मम्मा के ऊपर निर्विक मम्मा को ये सब ले लो सब ये नमन आप भी कर लो। अरे पानी कब भरेगा यहाँ पे। तो ये देखो मॉमीज ने बनाया है कुछ कुछ स्नैक्स बच्चों के लिए जो है पापड़, फ्रेंच फ्राइज और पॉकेट पिज़्ज़ास और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी है जो सारे बच्चों का खाना खाया जा रहा है। बच्चों के हिस्से का सारा खाना खाया जा रहा है। ये देखो कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा ही है और मम्मा ने बनाया। ये देखो हमारे सुभाष जी भी आ गए अभी। ये लो कोल्ड ड्रिंक मैं पकड़ू भाई हमें भी दे दे। लिमका नहीं मुझे ये तो मुझे भी वो चाहिए। आई डोंट लाइक लिमका। आज लिपिका लिमका पिएगी आज खाना नहीं खाएगी। गोल्डन चाहिए मैं नहीं पीता। मैं बस उतना ही पीता हूँ लिमिट में। चीयर्स चीयर्स टू द किड्स। टीना वेरी रिफ्रेशिंग। और ये है मॉकटेल जो टीना ने बनाया है जो बहुत यम है। नहीं सच में अरे सच में बहुत टेस्टी है यार बहुत। ये रेन ड्रॉप। तो अब बच्चों के लिए आ गए हैं कॉटन कैंडीज। और देखो ये बस करो बेटा मेरे को सब डरी लग रहा है। इन लोग छुट्टी लूंगा नहीं मैं याद रखूं। ये देखो नमन को देखो नमन को देखो कैसे भाई साहब। ये बच्चे यही नहा रहे तो बच्चों ने करी है बहुत मस्ती और अभी हम कर रहे हैं पूल पार्टी को वाइंड अप। तो फ्रेंड्स हम आए हैं अभी मार्केट क्योंकि हमें दो तीन चीजें खरीदनी थी।
तो इसलिए हम आए हैं अभी मार्केट, और अथर्व को लगी है भूख तो अथर्व को कुछ खाना है, तो हम रुके हुए हैं यहाँ पे बेकरी शॉप में, तो देखते हैं यहाँ से अथर्व को कुछ केक वेक खिला देते हैं, फिर अपना काम खत्म करते हैं। क्या खाओगे? बर्गर खा लो, पेस्ट्री खा लो, सैंडविच खाओगे? वो सब नहीं, वो सब नहीं है अथर्व, अब खाओगे कुछ? पेस्ट्री खा लो, तो हमारे साथ हो गया है ट्रेजरी फ्रेंड्स। मैं शूज भी उठा के ले गया। मतलब कोई होता है तो कोई और रख देता है, लेकिन ये तो शूज ही उठा के ले गया तू। तो गाइस यहाँ पे शनिदेव का भंडारा चल रहा था, तो हमने सोचा एक बार प्रणाम करते हुए चले, तो हम अंदर गए और हमें लगा कि शनिदेव का दरबार लगा हुआ होगा आगे, तो हम आगे जा रहे थे तो वहाँ पे एक जगह बनी हुई थी जहाँ पे मतलब बिठा के भंडारा करवा रहे थे वो, और एक जगह था जहाँ पे लोग खड़े होके भंडारा करवा रहे थे, तो मतलब खड़े होके खा रहे थे एक जगह पे, एक जगह पे बैठ के खा रहे थे, तो जहाँ पे बैठ के खा रहे थे हमें लगा कि वहाँ पे शनिदेव का दरबार लगा हुआ होगा, तो हम प्रणाम करने के लिए आगे गए, तो वहाँ पे हमें बोला गया कि हम जूते खोल के जाए अंदर। जब हम जूते खोल के गए, मतलब सेकंड्स नहीं हुआ हमने आगे झाँका कि दरबार नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे सब बैठ के खा रहे हैं, तो हम पलट गए और हम वापस आ गए, बस उतने ही देर में अथर्व का जूता गायब वहाँ से। तो किसी ने अथर्व के शूज चुरा लिए और अब अथर्व नंगे पाँव अथर्व को मैं वहां से गोदी में लेके आई हूँ, क्योंकि हम स्कूटी लेके आए थे तो गोदी लेके आई हूँ, और अभी लविश वापस एक बार चेक करने गया है कि शायद मिल जाए, एक बार चेक करने गया है, तो हम लविश के लिए वेट कर रहे हैं, बट बहुत ट्रेजिडी था ये। अथर्व खड़े है ना, खड़ा है नंगे पाँव। पापा भी तो चोरी नहीं हो गए। पापा चोरी कैसे हो जाएंगे? तो ये देखो भंडारा हो रहा है यहाँ पे, हम वेट कर रहे हैं लविश के लिए, लविश आ जाएंगे फिर हम घर के लिए निकलेंगे, तो आई एम सो श्योर कि मिलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो काफी सारे जो बच्चे हैं आयुष्मान के, मतलब आयुष्मान दो, सो यहाँ पे काफी सारे वैसे बच्चे हैं जिनके वजह से शायद गायब ही हो गया है वो, फॉर श्योर गायब हो गया, मतलब बस फिर भी एक बार लविश देखने गया है, देखते हैं लविश आ जाता है फिर हम घर के लिए निकलते हैं। ओ वाओ अथर्व, कितना अच्छा ड्राइंग किया आपने। ड्राइंग हुई नहीं, अभी करूंगा मैं। और भी करोगे? थोड़ा सा रह गया, ये और ये कार्पड़ी। अच्छा ये क्या है? ये क्या? ये वाला कार का विंडो है, कार बड़ी सी बनाई है। अच्छा ये इतनी बड़ी सी कार है? नहीं, ये ऐसी कार है जो दूसरी कार है। और ये क्या फेस वेस में पेंट कर दिया आपने? वो गलती लग गया ना। लगता है गलती। और आज रात को हम सोएंगे नहीं, बस पेंटिंग करते रहेंगे, ड्राइंग करेंगे सर? थोड़ा सा ही तो है। अच्छा पर अभी देखो 11:30 हो गया, कब निर्णय करोगे आप? ये बस थोड़ी सी ड्राइंग है, 5 मिनट। बहुत बिजी हो आप ड्राइंग में, बिना ड्राइंग करे निर्णय नहीं करोगे? 5 मिनट। थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं फिर इसके बाद। पढ़ाई करी तो थी, अभी और थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अभी लाओ। हाँ अभी लाओ जाओ। अभी पक्का? अच्छा ठीक है, एक बार 3 का टेबल बताना। 3 का टेबल से नहीं पता। 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 8 3 2 8 पिटाई होगी पिटाई। तो गाइस
अथर्व तो कर रहा है पेंटिंग, बिजी है पेंटिंग करने में, पर अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, तो मुझे तो सोना है, बहुत नींद आ रही है और मुझे एडिटिंग भी करनी है अभी और सुबह उठ के ऑफिस भी जाना है। तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। और एंड करने से पहले जैसे मैंने बोला था आप लोगों को कि हर रोज़ मैं एक टिप दूंगी आप लोगों को, तो आज का ये टिप ऑफ द डे है किचन से रिलेटेड। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसे होता है हमारे साथ कि हमें रात को मतलब सुबह उठ के छोले बनाने होते हैं, राजमा बनाने होते हैं, काले चने बनाने होते हैं, पर हम रात को भिगोने भूल जाते हैं। सो इन दैट केस तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा खाने का बेकिंग सोडा जो हम केक में यूज़ करते हैं तो उसको आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, उसमें नमक के साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज़ कर लो, उससे छोले में बहुत सॉफ्टनेस आ जाएगी और छोले 5-6 सिटी में ही बॉयल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टिप को ज़रूर अप्लाई करना। एंड जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हो, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सो टेक केयर गाइस, सी यू सून, बाय बाय।